पावन श्रावण महीने की आखिरी सोमवारी को भोले के दीवाने भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बोलबम बोलबम के नारों से एक बार फिर सभी शिवालय गुंजमान हो उठा। बेलपत्र और पान फूल बाबा को अर्पित कर कोरोना महामारी का नाश करने के लिए भोले शंकर ओडरदानी से प्रार्थना किया। नगर के ऐतिहासिक श्री कृष्ण आश्रम शिव मंदिर में भी सुबह से ही शिव शंकर का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा है। मंदिर प्रांगण में पगला समाज के कार्यकर्ताओं ने पूरे सावन महीने के सोमवारी के दिन सामाजिक दूरी बनाकर रखने की अपील भक्तों से करते नजर आए। पगला समाज के कार्य को लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। महोत्सव अजय महतो की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि पूरे श्रावण के महीने में पगला समाज ने अपनी सहभागिता निभाई है। कांवरियों के सुविधार्थ जो जलाभिषेक करने आ रहे हैं, वो भक्तों के सुविधार्थ हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक इन्होंने भगवान के भंडारा में अपना जो भी सके हैं अन्नदान भी इन्होंने किया है, भंडारा भी हुआ है। और एक कोरोना महामारी के बीच कहीं न कहीं यह बात असिद्ध हो रहा है श्रावण के महीने में कि कोरोना महामारी के ऊपर आस्था आज भारी पड़ा है। आस्था का भाव के सामने कोरोना महामारी कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार आपने पंडित जी श्री श्री कृष्णाश्रम शिव मंदिर के मुख्य पुजारी राजीव उपाध्याय जी ने कहा है कि जिस प्रकार जल शांत होने पर भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं, उस प्रकार पूरे श्रावण महीने में भक्तों की जो आस्था रही है उससे कहीं ना कहीं कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। आपने देखा कि पगला समाज ने किस तरीके से कांवड़ियों का सेवा किया है, भक्तों का सेवा किया है। यहाँ तक कि जो भक्त मास्क पहने नहीं आ रहे हैं उन्हें मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस प्रकार की कार्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि श्रावण के महीने में पगला समाज का जो सराहनीय कदम रहा है वो सच में काबिले तारीफ रहा है, सराहनीय रहा है। धन्यवाद। नौ भाव से अजय महतो। श्रावण के महीना में बाबा के भक्त कोरोना जैसे महामारी को शांत करने के लिए बाबा पर जलाभिषेक कर रहे हैं और दीप अगरबत्ती जला के बाबा का पूजन कर रहे हैं। इसी तरह यह महामारी शांत हो, ये बाबा का जल चढ़ा के ही बाबा को शांत होते हैं, वैसे ही कोरोना महामारी भी शांत होगा। सावन के पावन महीना में इस बार पगला समाज ने कृष्ण शिव आश्रम मंदिर में बहुत ही सहयोग किया है। इस बार जिस तरह कोरोना की महामारी चल रही है उसे बचाते हुए हम लोगों ने जल प्रदान करने के लिए अलग तरह से एक व्यवस्था किए हैं और लाइन की व्यवस्था किए हैं और मास्क जो अगर मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं उन्हें हम लोग अपने कमेटी के तरफ से पगला समाज के तरफ से मास्क भी प्रदान कर रहे हैं और जो डिस्टेंस है उसे हम लोग बचा कर मंदिर में पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं का भीड़ जो है उसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। और पगला समाज के सभी समिति का भी सहयोग है इसमें और सभी का भी धन्यवाद करता हूँ जो इतनी अच्छी तरह से सावन का जो एक महीने का मतलब सावन महीना जो चल रहा है उसे अच्छी तरह से हम लोग मतलब कर सके। जय भोले, 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 जय भोले।